हे गाइस, तो अभी हम आ गए हैं फिलिप भाई को मिलने के लिए, क्योंकि ये गए थे दिल्ली, इसलिए तो उनसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं हम। तो पहली बात तो सबका इंटरव्यू फिलिप भाई लेते हैं, और इस बार हमको मौका मिला है दिनेश भाई के साथ में, तो पूछना चाहेंगे तो कहाँ पे दिल्ली गए थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अजीत सर को, क्योंकि दोस्तों अजीत सर की वजह से हम पहली बार फ्लाइट में बैठे, इसलिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं और शुक्रिया करते रहेंगे अजीत सर का। तो जैसे हमारे अभी भाई ने पूछा, फ्लाइट में हम गए थे, सबसे पहले क्या पूछना चाहोगे आप मुझे? तो मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र किए थे? दिल्ली गए तो एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट से आपने एंट्री की थी? जी, तो सबसे पहले हमने जो जर्नी की थी वो हमने सूरत से की थी, सूरत से दिल्ली तक की थी, और आने जाने का हमारा एक ही दिन का था। एरोप्लेन में हम गए थे सूरत से दिल्ली तक। तो सबसे बड़ी बात मतलब हमको लगती है कि आपको, हम तो अभी यात्रा मेला रहता है तो उसमें वो अपना क्या बोलते हैं दिनेश भाई, झूले में बैठते हैं तो भी इतना मतलब बहुत डर लगता है, आपको डर नहीं लगता था इतना? मुझे ऐसा लगा था कि कुछ डर नहीं लगता ऐसा लगा था मुझे, लेकिन जैसे ही यार प्लेन स्टार्ट हुआ मुझे इतना डर लगा कि मैं क्या बोला आपको। वैसे आपने सभी ने वीडियो देखा होगा, मैं विंडो सीट पर भी नहीं बैठा था क्योंकि डर ही मुझे इतना लग रहा था। और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि आपकी एंट्री किस तरह से हुई थी, चेकिंग वेकिंग हुआ था? हाँ, हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ही आप जो एयरपोर्ट उसके अंदर जाओगे, वैसे ही आपका जो पहला आपका टिकट रहता है वो स्कैन किया जाएगा, उसके बाद में आपका आधार कार्ड रहेगा, वो जरूरी है। आप पहले जाओगे वहां से आपका आधार कार्ड और एंट्री होगी, वो चेकअप करेंगे। प्रोसेस क्या था मतलब? हाँ। स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा आइडिया था कि जाने वाले हैं फ्लाइट में, क्या महीने दो महीने पहले कुछ ऐसा? नहीं, हमारा तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था। हाँ। मुझे जैसे सर ने कॉल किया कि फिलिप भाई हमें जाना है कल ही दिल्ली में, तो आपका आप आधार कार्ड सेंड करो, और साथ में सभी के चाहे थे पिंटू भाई भी आ रहे हैं। हाँ। तो अजीत सर ने ही टिकट बुकिंग किया था, तो फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अजीत सर की वजह से हम गए थे। पहले हम गए उधर एंट्री के पास, जो रिपोर्ट की एंट्री थे वहाँ पर जो टिकट था उसके स्कैन किया, उसके बाद में हमारी जो आईडी थी उसके स्कैन किया। जैसे मैच होगी ना दोस्तों आपको तभी एंट्री मिलेगी, और बाद में हम गए टिकट लेने के लिए। हाँ। जो टिकट लेने के लिए वहाँ पर भी आधार कार्ड लिया था हमारा, और वो क्या बोलते टिकट निकाला था। हाँ। तो कुछ चेक बैक वगैरह किया था कि नहीं? उसके बाद में दोस्तों हम गए सीधा जो एंट्री होती है वहाँ पर हम गए, तो यार एंट्री तो ऐसी मतलब चेकिंग हमारी ऐसी हुई कि मैं क्या बोला आपको, ये जो अपना बेल्ट रहता है ये भी निकालना पड़ा। जो वहाँ पर एक ट्रे रहता है वहाँ पर आपका जो बेल्ट रहता है वो चश्मा सब कुछ निकाल के, पर्स वर्स निकाल के उधर रखना पड़ता है। और वहाँ पर एक बाजू होता है हमारा, मैं आपको बोलना चाहूँगा जो हमारा 7 kg का रहेगा अगर बैग, तो आप साथ में ले जा सकते हो, लेकिन 7 kg से ज़्यादा रहा तो आपका सीधा एरोप्लेन में आएगा, वो ऐसा रहता है। तो उधर हम गए, पूरा अजीत सर ने बोला कि फिलिप भाई बेल्ट सब कुछ निकालना पड़ेगा ऐसा। तो सब कुछ बेल्ट निकाला, पॉकेट बाटी सब कुछ, मोबाइल सब कुछ निकाला। उसके बाद में जो आर्मी में रहते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, मैं पहले ही बोल देता आपको, कुछ ऐसा चलता नहीं। उसके बाद में ऐसा किया, चेकिंग किया बराबर, लेकिन वो क्या है उसमें वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से हमने वहाँ पर वीडियो शूटिंग नहीं किया था, कुछ भी रहता है सबका प्राइवेट। तो ऐसा चेक किया, उसके बाद में ऐसा घुमा के ऐसा चेक किया जैसे कि शाहरुख खान की तरह, जैसे कोई क्या बोलते हैं वो होगा, ऐसा चेकिंग किया बाप। लेकिन बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा हमारा। उसके बाद में हम गए सीधा, जैसे एंट्री मारी वहाँ पर एंट्री हुई तो पूरा मॉल था, जैसे अपने नहीं क्या वो मॉल रहते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे। हाँ, मॉल था वहाँ पर, आपको टी शर्ट मिलती है, चश्मा मिलता है, सब कुछ मिलता है, चाय कॉफ़ी सब कुछ मिलता है, लेकिन 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 महंगा आसमान तक, बहुत महंगा। ये चश्मा जिस तरह से आप स्टेडियम में गए थे 20 रुपए की बोतल 100 में दी थी, बराबर है महंगाई तो। हाँ, बाहर सिटी में जाएंगे तो है ही। हाँ हाँ, लेकिन एयरपोर्ट में कुछ ज़्यादा ही महंगा रहता है। चश्मा आपको इधर 100-200 मिल जाएगा, वैसे आपने देखा होगा चश्मा 3000 का लेते पिंटू भाई का, तो आप सोच सकते हो, आप अगर पानी की बोतल लेोगे वो भी 100 रुपए की मिलेगी आपको। और पिंटू भाई भी पहली बार आए थे क्या, वो घूम चुके थे? नहीं, पिंटू भाई भी पहली बार। अब पिंटू भाई और मेरी जो फ्लाइट की जर्नी थी वो हमारी पहली बार ही थी, और वो अजीत सर की वजह से ही थी, तो हम शुक्रिया करते हैं। और बाद में हम उधर थोड़ा वेटिंग किया हमने जो रहता है वहाँ पर बैठने का, क्योंकि जो फ्लाइट का टाइम रहता है हमारा, मान लो आपका टाइम रहेगा 8:30 बजे तक फ्लाइट का टाइम, तो
तो आपको आधा घंटे पहले ही आपको वो ले जाएंगे उधर एरोप्लेन में अलाउंस करते हैं, और जो उनकी बोलने की स्पीच रहती है ना दोस्तों, आप सुनोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहूंगा, ऐसा उनका जो रहता है ट्रीटमेंट एक नंबर रहता है, जैसा मूवी में देखते हैं वैसा रहता है। हाँ, ये एकदम सही बात, मैं मानता हूँ इसको, जो बोलने की टेक्निक रहती है। और वो लोग इंग्लिश में बोलते थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश में वो बोलते थे, लेकिन कुछ समय में हिंदी में जैसे जितना बोलते थे उतना समझ में आ रहा था, लेकिन हमारे साथ अजीत सर थे, अजीत सर, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत नहीं थी। और जैसे हम फिल्म में देखते हैं उसी तरह से विमान उड़ती है या फिर कैसे सफर कैसे रहता है वो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा था पहले जब सूरत में गए थे तब कि हम एरोप्लेन में चढ़ेंगे वैसा वैसा, लेकिन हमको सीधा एरोप्लेन में एयरपोर्ट से एरोप्लेन तक वो दरवाजा रहता है, उधर ही से निकल गए थे साले। मैं सोचे हम तो मुझे लगा हम नीचे उतरेंगे ऐसा, लेकिन जैसे छोड़ा था ओ बाप ये तो हम इंदर आ गए ऐसा। तो उसके बाद में उधर गए, मस्त सीट बेल्ट हमने वो कर लिया। उसके बाद में मुझे कब झटका लगा, झटका मुझे कब लगा कि जब वो प्लेन है ना वो 2-3 किलोमीटर आगे जाता है ऐसा घूम के, तो अजीत सर ने बोल रहे थे कि बहुत ही तेजी से पिकअप करता है। मुझे लगा सर इतना कितना पिकअप पकड़ेगा ऐसा। तो 2-3 किलोमीटर आगे गया, जैसे ही प्लेन घुमाया सिर्फ एक ही सेकंड में इतनी स्पीड रफ्तार बढ़ा ली कि क्या बोलूं यार, मेरा तो होश ही उड़ गए। इतनी तेजी से आपकी बात सुन के मुझे तो पहली बार प्लेन में अभी क्योंकि मैं वो झूले में बैठता हूँ तो बहुत डर लगता है, लेकिन मौका मिला क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है गाइस, तो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और लेना भी चाहिए, मजे लेने चाहिए, फ्लाइट के हो सर ट्रेन के हो। तो फिलिप भाई ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, तो किसी को अगर जाना हो तो आपको फिलिप भाई से बात कर लेना और कुछ जानकारी ले लेना गाइस। तो वैसे तो और एक बात बताना चाहूँगा, तो प्लेन जब उड़ती है तो कैसा महसूस होता है वो बता दीजिए थोड़ा। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही प्लेन रफ्तार पकड़ती है थोड़ी देर में आगे जाके ऐसा एक दो सीधा क्या सीधा ऊपर निकल जाता है ऐसा। तो जैसे ही सीधा उड़ता है ना ऊपर आसमान में, तो ये जो क्या बोलते हैं वो पूरा वो ही हो जाता है, प्रेशर रहता है एकदम, वो क्या बोलते हैं झूले में धड़कन बढ़ जाती है, जैसे हम झूले में बैठते हैं ना वो एकदम नीचे आते, कैसा वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में घबराहट हो जाती है। हाँ, घबराहट जैसी हो जाती है उसमें। तो ऐसे मुझे तो बहुत ही डर लगा था, वैसे मुझे एरोप्लेन भी ऐसा हो रहा था वैसे जब प्लेन अपनी सीधी दिशा में रहता है तब तक 20-25 मिनट तक थोड़ा वो क्या डर ही लग रहा था मुझे। तो कितने देर तक आसमान में थे आप, मतलब आसमान में मैक्सिमम जब हम गए थे सूरत से तो 1.5 घंटे में तो हम पहुंच गए थे उधर 1100 किलोमीटर, मतलब ज्यादा टाइम आपको लगा नहीं होगा। सीधा ऐसा प्लेन ऐसा हुआ, उसके बाद में चाय चाय भी उतने में चाय हमने पूरी की, उतने तो हम दिल्ली पहुंच गए। और मैंने वीडियो देखा था उसमें 450 की चाय मंगाई थी आपने। तो मैं आपको बता चुका दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा, आपने देखा भी होगा कि जो फ्लाइट में मिलता है वो साथ नहीं मिलते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। अगर आप खाने के लिए कुछ मंगाओगे अलग से चार्ज करते हैं वो लोग, तो हमको जो चाय थी वो हमको एक जन को चाय पड़ती थी 150 रुपये की, 150 की चाय, तो हम 3 जन थे इसलिए हमारा 450 रुपये हुआ था। जो टिकट रहता है उसमें नहीं आता खाना, उसमें नहीं आता, उसमें अलग से बुकिंग करना पड़ता है। वो खाली टिकट, खाली जो आपका कितना था टिकट, कितने टिकट का मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टिकट का जो प्राइस था वो हमारे इमरजेंसी में कराया था, यानी क्या जाने का था अगले दिन कराया था, इसलिए हमारा एक जन का टिकट पड़ता 17,000 का, मतलब 1.5-2 महीने पहले अगर हो जाए तो 1.5-2 महीने पहले हो जाए तो उसका आधा हो जाता है, यानी कि 4,000-4,500। मतलब गाइस अगर जाना है तो 1.5-2 महीने पहले बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि आधे से ज्यादा पैसे बच जाएंगे हमारे। और वो क्या बोलते हैं फ्लाइट के हिसाब से रहता है। अभी हमारी फ्लाइट थी कौन सी फ्लाइट थी हमारा इंडिगो ऐसा नाम था, जैसे एयर इंडिया रहते हैं उनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही रहता है, और उससे जो दूसरी फ्लाइट रहेगी दूसरी कंपनी की उसका कम भी रहता है। लेकिन जैसे अभी भाई ने बोला 1-1.5 महीने से आप ज़्यादा कर लोगे तो आपका सस्ता पड़ेगा, अगर इमरजेंसी में करोगे उसका डबल हो जाएगा प्राइस ऐसा। सही है, सही। और कुछ पूछना है, ऊपर से कैसा नजारा दिखता था वो बता दीजिए थोड़ा। हाँ, ऊपर से मतलब कुछ समझ में आ रहा था कि ये जगह है वो, ऊपर से तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे जो ये आसमान आपको दिखता होगा या बादल है ना,
ये इसके ऊपर से हम जा रहे थे, मतलब सफेद सफेद वो सफेद रहते हैं ना धुआं, धुआं में वीडियो लगा आपको लगा दूंगा, आप जो देखते हैं अभी लाइव देखते हो ना, इसके ऊपर से हम जा रहे थे, इसके ऊपर से हम जा रहे थे, इसके ऊपर भी एकदम बादल एकदम नीला नीला जैसे रहता है ऐसा, और कुछ ऊपर मतलब वो कुछ दिख रहा था आपको चांद वगैरह ऐसा मतलब कहने की बात है लेकिन ऐसा कुछ लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ जो आपने देखा होगा जैसे आप जाते हो वैसे आपको वो क्या बोलते हैं डूंगर जैसे दिखता है ना, पहाड़ है और पहाड़ जैसे दिखता है, हरियाली ज्यादा थी या बिल्डिंग ज्यादा थी? नहीं वो तो ऐसा नहीं, मेरा बोलने का मतलब अलग है, वो आप जैसे आप अभी जाओगे आप दूर से देखोगे कोई दूर से पहाड़ दिख रहा है तो कैसा लग रहा है ऐसा, तो जो बादल का वो रहता है ऐसा झाड़ जैसा होता है मतलब ऐसा अपना वो क्या बोलते कॉटन कुछ कलर की कलर की तरह मतलब कि कुछ खिल रहा है पहाड़ जैसा एकदम एक ही वो दिखेगा आपको ऐसा अलग, और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था, और जैसे हम नीचे उतरे वहां से तो पूरे इतने इतने छोटे छोटे दिख रहे थे वो क्या बोलते वो मकान जब नीचे प्लेन उतरती है तो कैसा महसूस होता है वो थोड़ा तो जब प्लेन नीचे होता है, इस वजह से सर ने हमको पहले ही बोल दिया था कि प्लेन जैसे ही नीचे गए प्लेन थोड़ा इधर हो रहा है थोड़ा इधर हो रहा है ऐसा पूरा घूम घूम के वो लोग नीचे उतरते हैं आपको, और जैसे ही वो टायर निकलते हैं वैसे भी जैसे ही प्लेन नीचे होता है ना वैसे वो कान में गुम ऐसा वो बहुत आवाज मारता है, और जैसे ही नीचे उतरती है ना वैसे भी थोड़ा वो होता है इधर, और जैसे ही नीचे गिरती है वैसे फ्लाइट होती नीचे होती ना तो क्या बोलते हैं वो झटका लगता है जोर का जोर के झटका लगता है इसमें ऐसा, मतलब एकदम से गिरता है क्या ऐसा? हाँ एकदम से, हाँ वो हम भी थोड़े ऐसे हिल जाते हैं ऐसा। तो एक खास बात पूछना चाहूंगा, मोबाइल में नेटवर्क था? नहीं नहीं वो पहले ही वो है ना अनाउंस कर देते हैं हमको, पहले अनाउंस कर देते कि भाई वो कुछ भी जो फ्लाइट रहता है वो अनाउंस कर देते आपका जो मोबाइल है वो आप एरोप्लेन कर ले ऐसा फ्लाइट मोड पर। फ्लाइट इसका रीजन ये है गाइस कि जो पायलट रहता है ऊपर, अभी एरोप्लेन चलाना कोई मजाक की बात तो नहीं है, वो सही ना आसमान में यार, तो कई कई लोग रहते हैं उनको तो बाइक भी चलाना बहुत मुश्किल लगता है, वो तो एरोप्लेन है तो पायलट है उसका, और मतलब नीचे जो उनका कॉन्टैक्ट रहता है तो उनके कॉन्टैक्ट में कुछ मतलब ये खराबी ना हो जाए इसलिए वो एरोप्लेन करना पड़ता है अपना फ्लाइट मोड रखना पड़ता है, और जो एयर हॉस्टेस रहती है वो भी बहुत ही बढ़िया सर्व करती है। ये काम की बात कही आपने लेकिन एक बार आप जाओगे तो आप खुद इस तरीके तो अच्छा रहेगा आपका ऐसा, आपको फूल सर सर के से बात नहीं करते बोलो ना, आप कैसे भी हो लेकिन सर के बिना आप बात नहीं करते, मतलब रिस्पेक्ट उनकी ट्रेनिंग रहती है ऐसा कुछ, हमको थोड़ा इंग्लिश में भी वो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में तो हमें थोड़े थैंक यू ऐसा बोलते हैं मतलब दिखा देगा एक्सक्यूज मी ऐसा थोड़ा अपने भी हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा थैंक यू मैडम कुछ भी थोड़े थोड़े फिल्म देखते हैं तो समझ में आ जाता है, समझ में, लेकिन काफी बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो ओके आप भी जाओ कभी और फिर कभी जाएंगे लाइफ में, अभी समाप्त करते हैं गाइस क्योंकि फिलिप भाई का इंटरव्यू हम लेने आए हैं खेतों में, और बारिश भी होने वाली है शायद, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो अभी दिनेश भाई आप पानी पी लो, पानी हाँ ये पानी बोतल 100 रुपए के मिलता है भाई, 100 रुपए का मिलता है, 10 रुपए की है गाइस। सो ओके गाइस यही थी मेरी इंटरव्यू दोस्तों, आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आप जरूर जा सकते हो, अगर लाइफ में फिर से चाह गए तो हम जाएंगे जरूर जाएंगे, अगर हमारा भी लाइफ में होगा ऐसा दिन तो हम भी जरूर जाएंगे, और पिंटू भाई के साथ और अजीत भाई के साथ खूब इंजॉय किया था, खूब मजा लिया था हमने, और जैसे कि आप जानते हो अपने अजीत सर है उन्होंने बहुत हेल्प किया है, पहली बात तो बहुत लोगों को हेल्प भी किया है, और बहुत ऑपरेशन किया था उनका नाम किरण भाई, हाँ किरण भाई तो उनका भी हेल्प हो गया बहुत अच्छा, तो और हम भी साथ में घूम आए तो कहीं खुशी हमारी आज पार हो गई है, आसमान छू लिया है फिलिप भाई की खुशी ने, तो इसके लिए फिलिप भाई से हम कभी पार्टी मांगेंगे, तुमको सबको बिठा के ले जाऊंगा उधर पार्टी करेंगे, ओके गाइस थैंक यू, यही इन्फॉर्मेशन थी,
और हमारे अभी भाई की चैनल है गुनगुनावी, और हमारे दिनेश भाई की चैनल है डी गावित और लकी स्टार, और हमारे शीर्षक थी बैंड भवरे के पैर मास्टर है। बुकिंग करना गाइस भवरे बैंड को, ओके। खाली गणपति विसर्जन की 24 तारीख खाली है गाइस, तो अगर कॉन्टेक्ट करना है तो कर सकते हो गाइस। थैंक यू। ओके थैंक यू। अभी पानी पी लेते हैं भाई, पानी मिले भाई।